दोस्तों लोकसभा के अंदर एलओपी के तौर पर यानी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की क्या ताकत है एक बार फिर पता चल गया। एक बार फिर पता चल गया कि जो पूरी की पूरी सरकार नहीं कर पाई वो राहुल गांधी ने एक रात में या फिर ये कह लें कि कुछ ही घंटों में कर दिखाया। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए तो क्या फर्क पड़ गया। लोकसभा के अंदर विपक्ष की ताकत बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ गया। मोदी जी तो अब भी पीएम है, सरकार तो अब भी बीजेपी की है। फर्क ये पड़ गया दोस्तों कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ज्यादा नहीं एक लाइन बोलते हैं, बस एक लाइन बोलते हैं संसद में, और उसने ऐसा बवाल वो एक लाइन मचा देता है कि सब कुछ बदल जाता है। कल मैंने आपको कई खबरें दिखाई दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर मुझे दुख हुआ इसलिए मैंने आपको इस पर कई खबरें दिखाई थी। जब संसद कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनको रोक दिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया, जैसे पिंजरे का नाम दिया गया, मतलब पत्रकारों ने भी इसे पिंजरा कहा और तमाम लोग भी इसे पिंजरा कह रहे थे। दरअसल कोविड के वक्त से ही बहुत सारी पाबंदियां पहले ही पत्रकारों पर लगा दी गई थी, संसद में दाखिल होने पर कैमरा भी बंद कर दिया गया था। तो जो संसद कवर करते थे रिपोर्टर्स वो अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियोस बनाते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से बात कर लिया करते थे, अंदर की खबर निकल जाती थी। अब कल क्या हुआ, इन सभी लोगों से कह दिया गया कि आप ये भी नहीं करेंगे और एक कमरे में, कुछ इस तरह का कमरा था, कमरे में बंद कर दिया सबको। इसका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने विरोध किया, बहुत से पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स ने विरोध किया, लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों की हैसियत नहीं थी कि चूचपड़ कर दे। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, इस पिंजरे में कैद रिपोर्टर्स से राहुल गांधी न केवल मिलने चले गए बल्कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने इन रिपोर्टर्स के लिए, इन पत्रकारों के लिए आवाज उठा दी। नॉट बिचारे एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। मैं बताऊँ सर, नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। दोस्तों ओम बिरला से राहुल गांधी ने कह दिया कि कम से कम उन बेचारे पत्रकारों को तो वहां से निकाल दीजिए, हालांकि उनको बेचारा कहने से रोक दिया गया क्योंकि वो नॉन पार्लियामेंट्री शब्द था। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन बोली, एक लाइन पत्रकारों के हित के लिए, और तुरंत ओम बिरला एक्शन में आ गए और कल ही उन तमाम पत्रकारों को जो कि संसद कवर करते हैं उनके साथ बैठक की गई। ओम बिरला ने बैठक की है, देखिए बैठक की वीडियो, और उसके बाद फैसला ले लिया गया कि जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। ये है राहुल गांधी की ताकत, ये है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आवाज की ताकत। एक बार राहुल गांधी ने उस मुद्दे को संसद में अपने भाषण में उसका जिक्र किया और वो पाबंदी हटा ली गई। सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात की वजह पता चलनी चाहिए कि ऐसे पिंजरे में क्यों कैद किया गया था पत्रकारों को, पत्रकारों ने क्या गुनाह किया था भाई। संसद तक अवर नहीं करेगा रिपोर्टर तो करेगा क्या पॉलिटिकल बीट का रिपोर्टर। और उससे भी महत्वपूर्ण, ये गोदी मीडिया के एंकर और रिपोर्टर चुल्लू भर पानी ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। इन एंकरों ने पिछले 10 साल में राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के सारे नेताओं को एंटी नेशनल घोषित करने में कोई कमी छोड़ी, बेवकूफ घोषित करने में कोई कमी छोड़ी। आज इन एंकरों के लिए, इन रिपोर्टरों के लिए, इन चैनल वालों के लिए आवाज किसने उठाई? किसी सत्ताधारी दल के सांसद ने नहीं उठाई, नेता प्रतिपक्ष ने उठाई। दोस्तों राहुल गांधी ने ये सब कुछ किया मीडिया के लिए, ये जानते हुए भी कि ये मीडिया कभी एक नेता प्रतिपक्ष के परिपक्वता के तौर पर उनको नहीं दिखाएगी, वही दिखाएगी जो उनके आका को सूट करता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने पत्रकारों के लिए आवाज उठाई। केवल राहुल गांधी ने नहीं, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी गई कल इन पत्रकारों से मिलने के लिए जिन्हें कैद किया गया था, जिन्हें रखा गया था एक कमरे में, कि भाई हम आपसे, आपके काम से इत्तेफाक रखें ना रखें, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं मीडिया वालों से, लेकिन ये गलत है, मीडिया को आप इस तरह से कैद नहीं कर सकते। और देखिए कुछ घंटों के अंदर राहुल गांधी ने इधर अपने भाषण में उसका जिक्र किया और कुछ घंटों के अंदर एक्शन हो गया। बताइए दोस्तों कौन हुआ इस गोदी मीडिया का, जिस सरकार के तलवे चाटने से भी नीचे का काम किया इस गोदी मीडिया ने पिछले 10 सालों में, अंत में कोई नहीं आया उस सरकार की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही आवाज उठाई और वो पाबंदी हटाई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।